नमस्कार दोस्तों, प्रीतिस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रीति के किचन में बनेगी जेली। अंगूरों का मौसम है और गर्मी में अंगूर भर भर कर मार्केट में आ रहे हैं, तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे अंगूर की जेली। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत आसान है इस रेसिपी को बनाना, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में एक कटोरी अंगूर लिए हैं, इनको अच्छे से धो लिया है। अब इस अंगूरों को हम अच्छी तरह से मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, ये पिस गए हैं। अब हम एक अलग से बाउल लेंगे और उसको सारे रस को, अंगूर के रस को छन्नी की सहायता से अच्छी तरह से दबा दबा कर छान लेंगे। इसके पूरे रस को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अभी इसमें और रस है तो मैं इसको एक बार और जार में पीस लेती हूँ। ये देखिए, एक बार और पीस लिया है और इसका सारा रस हम निकाल लेंगे। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इस अंगूर के रस को हम नाप लेंगे कि ये कितना है। तो मैंने एक कटोरी ली है और उस कटोरी के हिसाब से ये एक पूरी भर गई है कटोरी। आप अंगूरों को टेस्ट कर लीजिए कि वो कितने खट मिट्टे हैं, उस हिसाब से हम शक्कर डालेंगे इसमें। तो मेरे अंगूर खट मिट्टे हैं, तो उस हिसाब से मैंने एक कटोरी रस है अंगूर का, तो आधा कटोरी मैंने शक्कर ली है। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें से ये सारा रस डाल देंगे। अभी हमें गैस फ्लेम पर ये नहीं चढ़ाना है और इसमें हम शक्कर भी ऐड कर देंगे अभी। और इसमें मैंने आरा रोट लिया है, यानी कॉर्न स्टार्च, ये हमें 2 चम्मच डालना है। और किसी विस्कर या चम्मच की सहायता से इसको अच्छी तरह से चला लेना है, ताकि इसमें कोई लंग्स या गुठलियां ना रह जाएं। क्योंकि अगर हम गैस पर चढ़ाकर इस तरह से करेंगे तो बहुत जल्दी गुठलियां बन जाएंगी, इसलिए ये हमें पहले ही करना है। ये देखिए, अच्छी तरह से हम चला लेंगे इसको, इसमें कोई भी लंग्स या गुठलियाँ नहीं हैं। अब इसमें हम कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये है हलवे का कलर, ग्रीन कलर, और ये है फूड कलर, जेल फूड कलर, जो हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ हमने मोल्ड लिए हैं, ये चॉकलेट मोल्ड है, इसमें भी हम जेली को जमा सकते हैं अगर हमें छोटी जेली जमानी है तो, और नहीं हो तो आप इस तरह के मफिन्स कप का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टील की है तो वो भी ले सकते हैं, छोटी कटोरियाँ, या स्टील की कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं हो तो इस तरह का ग्लास का भी यूज़ किया जा सकता है। अब इन सभी में हम तेल लगा लेंगे, बहुत कम तेल लगाना है, जिससे हम जब डीमोल्ड करें अपनी जेली तो वो आसानी से निकल जाए। तो हम सब में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेते हैं। अब हमने इस मिक्सचर को गैस ऑन कर दिया है और गैस पर चढ़ा दिया है, बिल्कुल मीडियम या लो फ्लेम पर ही हमें इसको उबालना है। और इसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगातार उबालते रहना है, क्योंकि इसमें कॉर्न स्टार्च मिला है तो वो बहुत जल्दी तरी में चिपक जाता है। तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे ये उबलता जाएगा ना, वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। तो हमको लगातार इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, गाढ़ा हो गया है थोड़ा। मैंने इसमें एक चुटकी ग्रीन कलर डाला है। आपको अगर नहीं डालना तो आप मत डालिए, और अगर आपको जितना ज़्यादा इसको ग्रीन करना हो उस हिसाब से यूज़ कीजिए। मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा ग्रीन कलर चाहिए था, तो मैंने एक चुटकी और लिया है, मतलब 2 चुटकी मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड किया है। ये देखिए, परफेक्ट कलर आ गया है मुझे जो चाहिए। अब इसको हम 2 मिनट और उबालेंगे। ये गाढ़ा हो गया है, अब मैं बताती हूँ कि हमें कितना गाढ़ा चाहिए। ये देखिए, चम्मच से जब हम इस तरह से ऊपर से डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल एक सी लेयर में गिरेगा, बीच में बिल्कुल नहीं रुकेगा। हम समझ लेंगे कि हमारी जेली बनकर तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गरम गरम ही हम इनको मोल्ड में डाल देंगे। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने दें, और अगर जल्दी है तो इसको फ्रिज में कम से कम 5 घंटे के लिए रख दें। ये देखिए, 5 घंटे बाद मैंने फ्रिज से निकाला तो हमारी जेली अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम डीमोल्ड करते हैं। इसके लिए हमें एक चाकू लेना है, और देखिए, हमें चाकू को नहीं घुमाना, हमें कटोरी को घुमाना है। इस तरह से हमारी पूरी जेली साइड से हम इस तरह से चाकू घुमाते जाएंगे तो वो एकदम से निकल जाएगी। ये देखिए, हमारी परफेक्ट जेली बनकर तैयार है। अब इसको हम नारियल के बूरे में इसके ऊपर डालेंगे और चारों तरफ से अच्छे से नारियल के बूरे में लपेट देंगे। ये देखिए, मैंने छोटी जेली भी निकाल ली है। इस तरह से हम सारी जेलियों में नारियल का बूरा लपेट लेंगे। ये देखिए, मैं आपको उठाकर बताती हूँ एक जेली, हमारी जेली कितनी परफेक्ट और कितनी फ्लफी बनी है।
ये देखिए कितनी फ्लफी बनी है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मैंने इसके ऊपर चेरी लगा दी है, आप चाहें तो ना लगाएं और बच्चों के हिसाब से चाहें तो लगा दें। आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।